बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साबुत मूँग की दाल। साबुत मूँग की दाल किस तरह और किस तरीके से बनेगी ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को कोई पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये मैंने साबुत मूंग की दाल ली है, ये आधा किलो मैंने साबुत मूंग की दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है 2-3 पानियों में। प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 12 अदद, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। 1 गड्ढी मैंने धनिया की ली है, सब्ज़ धनिया है, और ये धनिया की डंडियाँ हैं और ये धनिया की पत्तियां हैं। ये पकने के दौरान मैं डंडियाँ शामिल करूंगी, और ये गार्निश के लिए पत्तियां। अब मैं इस दाल को प्रेशर कुकर में पकाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले दाल शामिल करूँगी। साबुत मूँग की दाल है। अब मैंने दाल शामिल कर दी है प्रेशर कुकर में। अब मैं तमाम मसाले मिक्स करके पानी में घोल के शामिल करूंगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी शामिल करूंगी। अब मैंने इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब मैं धनिया की टहनियाँ शामिल करूंगी, और जो धनिया की पत्तियाँ हैं वो गार्निश के लिए हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब हमारी दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। अब मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है तड़का लगाने के लिए। अब मैं प्याज शामिल कर दिए मैंने, और इन प्याज़ों को मैं फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब मैं सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसे दाल में शामिल करूंगी। अब मैं इसको दाल में शामिल करूंगी। और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं साबुत जीरा, सफ़ेद जीरा से गार्निश करूंगी इसे। अब मैं धनिया से इसे गार्निश करूंगी, धनिया की पत्तियां हैं ये, और अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारे कितने माशाल्लाह से हमारी साबुत मूंग की दाल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से हमारी साबुत मूंग की दाल तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आखिर में जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त।